ओम शांति। मुरली में किस एक बात पर विशेष जोर था? माताओं को याद है? नहीं, लक्ष्मी नारायण बनने का नहीं था, कुछ और था। भाइयों ने बता दिया, आत्मा भाई भाई है। ये दृष्टि और क्या हो जाए, दृष्टि और वृत्ति। दृष्टि और वृत्ति में ये हो जाए कि हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं। क्या क्या फायदा हो जाएगा इससे? व्यर्थ और निगेटिव दूर हो जाएगा और क्रिमिनल आई खत्म हो जाएगी और याद अच्छी सहज हो जाएगी, आत्मभिमानी हो जाएंगे। और जरा गहराई में चलें, ताकत मिल जाएगी। और बताओ जरा प्रैक्टिकल, देहभान समाप्त हो जाएगा। हाँ, दूसरे हमारे नजरों से निहाल होने लगेंगे। और कुछ? चलन फर्स्ट क्लास हो जाएगी। मोह नष्ट होता जाएगा, बहुत बड़ी प्राप्ति हो जाएगी। इफेक्ट दिखाई देगा, मोह का प्रभाव, मोह जैसे आत्मा को बांधे हुए है, वो बंधन है, वो ढीला पड़ता जाएगा। और आत्मा देखना, ये बाबा का एक महावाक्य है, आत्मा देखना अर्थात दूसरों को करंट देना। तो हम सूक्ष्म सर्विस जब करने की सोचते हैं, मनसा सेवा, वाइब्रेशंस की सेवा, तो आत्मिक दृष्टि उसके लिए सबसे अच्छा साधन है। तो जब जब हम बाबा की ऐसी मुरली सुनते हैं, उसका अभ्यास हमें करना चाहिए। आत्मा देखते देखते आत्माभिमानी हो जाएंगे हम सब। और ऐसे ही सभी आत्माएं हैं, ये हमें अपने चिंतन में लाना चाहिए। चिंतन में लाने से आत्मिक वृत्ति हो जाती है। माताएं घर में हैं तो अपने सभी परिवार को सामने देखते हुए ये विचार करें कि ये सभी आत्माएं हैं, हमारे घर में ये आत्माएं इकट्ठी हुई हैं, अब ये हमारे बच्चे हैं। पहले हो सकता है हम इनके बच्चे हों, उससे पहले हम किसी और संबंध में रहे हों। आत्मिक चिंतन जितना होगा, आत्मिक वृत्ति बनेगी और उसका प्रभाव हमारे जीवन पर आता रहेगा, दिखाई देगा प्रैक्टिकल में। और जब हमारी आत्मिक दृष्टि हो जाती है तो एक बहुत बड़ी चीज से हम बच जाते हैं। एक बुराई है मनुष्य के पास, जो सबके पास रहती है थोड़ी ज्यादा, कि हम जब एक साथ रहते हैं, कहीं भी परिवार में रहें, और भी कई जगह मनुष्य को दूसरों के साथ रहना पड़ता है, चाहे ऐसे संगठन में जैसे हम यहाँ रहते हैं, तो हमारी भावनाएं दूसरों के लिए अलग अलग होती हैं। किसी को हम अच्छा समझते हैं, किसी को बुरा, किसी के लिए घृणा रहती है, किसी के लिए स्नेह, किसी के हमें गुण नजर आते हैं तो किसी की बुराइयां नजर आती हैं, अवगुण नजर आते हैं, घृणा भाव रहता है। कोई हमें अच्छे लगते हैं, कोई अच्छे नहीं लगते। और आत्मिक दृष्टि होने से सभी अच्छे लगेंगे, क्योंकि जैसी हमारी भावनाएं दूसरों के लिए हैं, वो भावनाएं हमारे मन पर प्रभाव डालती हैं। भावनाएं अगर थोड़ी भी खराब हो गई तो हमारी बुद्धि की स्थिरता नष्ट हो जाती है। विशेष रूप से जब हम संगठन में रहते हैं, यहाँ हम एक ही साथ चार या पांच भाई या बहने काम करते हों, या एक कमरे में पांच सात आठ दस या बड़े कमरों में और भी ज्यादा रहते हों, तो दूसरों को देखने से उनकी कमी देखते देखते, छोटी छोटी कमी होती है, कोई बहुत बड़ी नहीं, कि कोई गंदे जूतों के सहित ही अंदर आ जाता है,
कोई गंदे कपड़े अपने निकाल के हमारी खाट पे रख देता है, कोई देर तक सोता है, कोई रात को 11 बजे आएगा आते ही लाइट जला देता है, कोई अंधेरे में चलता है तो पैर दूसरे को लगा देता है। ये सब बातें तो छोटी हैं, परंतु ये सब देखते देखते क्या हो जाता है मन में, ये सब अच्छे लोग नहीं है, ऐसा हो जाता है ना। तो लोग सभी कहते हैं कि जब हम अज्ञानियों के साथ रहते हैं तो हम शक्तिशाली बन जाते हैं। आज एक विदेश की बहन ये प्रश्न लेकर आई कि जब हम अज्ञानियों के साथ काम करते हैं तो हम बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं, और जब ज्ञानियों के साथ काम करते हैं तो कमजोर बन जाते हैं। उल्टी बात हो गई, क्यों ऐसा है? किसी किसी के साथ ऐसा होता है, किसी के साथ वैसा भी होता है, ज्ञानियों के साथ शक्तिशाली, अज्ञानियों के साथ कमजोर, पर किसी के साथ ये होता है। क्यों? क्योंकि ज्ञानियों के साथ हम जब रहते हैं तो हम उनको बहुत ऊंची कामना से देखते हैं, यही बात है ना। और कामनाएं जब वैसी फलीभूत नहीं दिखाई देती तो हमारे मन में अवगुणी दृष्टि, घृणा की दृष्टि सूक्ष्म में बन जाती है, जिसका कभी कभी पुरुषार्थी को पता नहीं चलता कि मेरे पास कोई घृणा की दृष्टि है। कोई कोई बोल देते हैं कि अरे इनसे अच्छे तो अज्ञानी लोग, हमने कितने लोग अच्छे अच्छे देखे, यहाँ तो ज्ञानी लोग कैसा कैसा बोलते हैं, चोरी भी कर लेते हैं, झूठ बोल देते हैं, उल्टा सुलटा बोलते हैं, वाणी पे संयम नहीं है। हमारे अज्ञानी लोग हमने देखे कितने अच्छे वेल मैनर्ड, अच्छे आचरण वाले हैं, कितना मीठा बोलते हैं, समय पे सहयोग देते हैं, यहाँ तो समय पे सहयोग की बजाय सोचते हैं सहयोग देंगे तो इनसे कर्म बंधन बन जाएगा, इसलिए आंख बंद करके निकल जाते हैं। तो इस एक बात को बदलने के लिए हमें एक छोटी सी बात अपने अभ्यास में रखनी चाहिए। आत्मिक दृष्टि का अभ्यास तो मूल अभ्यास है ही, उसके लिए तो और कुछ कहने की बात नहीं, लेकिन हम सब जब आपस में रहें तो हम दूसरों को इस अच्छी नज़र से देखें कि ये सभी आत्माएं महान आत्माएं हैं। अपने बुद्धि को समझा दें, ऐसे नहीं जबरदस्ती कहते रहे कि सभी महान हैं, हो रही हो लड़ाई और कहें ये महान है, अभी गुस्सा करके गया हो और हम सोचे तो महान आत्मा है तो काम नहीं चलेगा। इष्ट देव हैं ये तो भी प्रैक्टिकल में कुछ हो जाए तो एक बहुत बड़ी चीज हमारी बुद्धि की एकाग्रता के लिए है, आवश्यक है कि हमारे संगठन में माहौल स्नेह का हो। जहां स्नेह नहीं वहां एकाग्रता नहीं, ठीक है ये बात। एकाग्रता के सब्जेक्ट में आज तक किसी ने ये बात कही नहीं, लिखी नहीं, मनोवैज्ञानिकों ने, सन्यासियों ने, साधकों ने और बहुत सारी चीजें कही हैं, पर क्योंकि एक सन्यासी अकेला रहता है, विधान ही ये है कि सन्यासी को अकेला रहना चाहिए, तो उसके लिए स्नेह की बात ही नहीं, दृष्टि की बात ही नहीं। लेकिन अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि जिस संगठन में आपस में एक दूसरे के लिए अच्छी दृष्टि है वहां बुद्धि सहज स्थिर होती है। मनमुटाव है, अवगुणी दृष्टि है तो पर चिंतन चलेगा, बुद्धि की स्थिरता भंग हो जाएगी। तो सभी महान हैं, अगर हम ऐसी दृष्टि पहले से ही रखते हैं तो लड़ाई होगी ही नहीं, एक दूसरे के लिए सम्मान बना रहेगा, इसका सभी को ध्यान देना है। कल की मुरली में बाबा ने बार बार हम सबको, मुझे याद आया कि बहुत दिन के बाद फिर से याद दिलाया कि बाप टीचर सदगुरु के रूप में मुझे याद करो, बार बार आया, याद है ना। कभी बाबा ने इस तरह कहा कि यथार्थ याद है ही बाप टीचर सदगुरु के रूप में याद करना। आप सभी सोचते होंगे क्या रहस्य है इसमें, हम याद करें बाबा को और केवल ये सोच लें
कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, और हो गई तीनों की याद। ऐसा नहीं, ज्यादातर यही करते हैं बाबा को याद करते हुए कि बाबा आप हमारे बाप भी हो, टीचर भी हो, सदगुरु भी हो। जैसे बाबा को भूल गया हो कि मैं टीचर हूं। तो इतना नहीं, हमारी याद का एक बहुत प्रैक्टिकल स्वरूप है कि हमारा बाबा से, मैं आज एक दुनियावी शब्द प्रयोग कर रहा हूं, हमारा बाबा से प्रैक्टिकली रिश्ता हो, संबंध हो। ये तो हमारी भाषा है, संबंध तो है, पर रिश्ता हो। जैसे दुनिया में कोई भी बच्चा किसी को ही तो बाप नहीं कहेगा, किसे कहेगा बाप? जिससे रिश्ता है, जो है बाप। किसी को भी तो टीचर नहीं कहेगा, कोई को भी तो अपना गुरु नहीं कहेगा, जो है उसे ही माना जाएगा। हमारा भी बाबा से ये रिश्ता है, हम इस रिश्ते में प्रैक्टिकल में आ जाएं, शब्दों से या मन से, संकल्प से कहने की बात नहीं कि बाप टीचर सदगुरु है। सदगुरु है हमारा वो, तो सदगुरु अर्थात क्या करता है सदगुरु? सदगति तो देगा जब देगा, रोज क्या करता है? और बताओ, और बताओ, गुरु किस किस ने किया था लौकिक में? माताएं बताएंगी, हाथ उठाएंगे? हाथ उठाओ, मैं एक प्रैक्टिकल बात बताऊं, करते ही है ना गुरु। ठहरो, पहले हाथ उठाओ जिस जिसने गुरु किया। गुरु भाइयों ने, भाई तो कुमार ज्यादा है ना, किया नहीं होगा, थोड़े से ही निकलेंगे। कुमार तो मुश्किल से गुरु करते हैं ना कलयुग में। वो कहते हैं हम ही गुरु हैं सबके। तो गुरु अर्थात गाइड करने वाला, गुरु अर्थात समस्याओं और विघ्नों में गाइड करे हमें, ऐसे ऐसे करो। गुरु के पास लोग क्यों जाते हैं? सदगति के लिए थोड़ा ही जाते हैं गुरु के पास लौकिक में। या गई थी कोई माता सदगति के लिए? वो तो तब जाए जब पहले ये पता हो कि दुर्गति हो गई है। ऐसा तो कोई मानता ही नहीं कि हमारी दुर्गति हो गई है। गुरु के पास जाते हैं, उससे मदद मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए। और हमारा सदगुरु हमें क्या देता है? वरदान, आशीर्वाद भी देता है, लेकिन उससे भी बढ़कर वरदान देता है। गुरु लोग कहते हैं, आज तक भी कहते हैं कि जब तुम्हें मुसीबत आ जाए तो मुझे याद करना। और ऐसे कुछ गुरु हैं दुनिया में, अब भी हैं और हुए भी हैं, कि मुसीबत में उन्हें याद किया और लगा के गुरु आ गया है। तो मनुष्यों के पास भी ऐसी सूक्ष्म शक्तियां काम करती रही। जब मनुष्य ऐसा कर सकते हैं तो बाबा क्या कहेंगे? क्या नहीं कर सकता? जब हम पे कोई मुसीबत आ जाए, आपदा आ जाए, कोई माया की मुसीबत आ जाए, अगर हम सदगुरु को याद करें तो ये प्रैक्टिकल अनुभव होगा कि वो आ गया है, मदद होने लगेगी। ये है हमारा प्रैक्टिकल उससे रिश्ता जोड़ना। ऐसा रिश्ता हम जोड़ें, गुरु का हमें प्यार मिलेगा अगर उसकी गाइडेंस पर हम चलेंगे। गुरु के आगे मनुष्य को सब कुछ समर्पित करना होता है, एक विशेष बात है ये। सदगुरु के आगे हमें स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए, बहुत अच्छे अनुभव हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति भी अगर हमें गाइड करता हो तो उस व्यक्ति को भी गाइड करने में आनंद कब आएगा? जब हम समर्पित करें। और अगर हम कहते रहें कि भाई तुम कहते तो ठीक हो परंतु ऐसे हो तो बहुत अच्छा रहेगा, तो गाइड करने वाला भी पीछे हट जाएगा। बहुत बड़ी चीज है समर्पणता। हम अपने सब अपने अपने फील्ड में देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति को हम मदद कर रहे हों तो हम क्या सोचते हैं
कि ये व्यक्ति हमारी बात सुने, तब तो हम मदद करेंगे। एक डॉक्टर के पास पेशेंट जाए, डॉक्टर पेशेंट को मदद करता है, लेकिन अगर पेशेंट उसकी सुने ही ना, तो डॉक्टर क्या करेगा, छोड़ देगा, सच्चे दिल से उसको ट्रीटमेंट नहीं दे सकेगा। ये समर्पणता है। वैसे ही सदगुरु के आगे समर्पणता बहुत अच्छे अच्छे अनुभव कराएगी। अब हम आ जाएं बाबा की दो बातों पर। 18 जनवरी के बाद क्लास तो हमें कराने का मौका नहीं मिला, लेकिन आप सबने उन बातों पर चर्चाएं की होंगी, सुनी होगी। बाबा ने फिर से हम सबको क्या याद दिलाया, बेहद का वैराग और साधनाएं। एक स्वमान दिया है बाबा ने इसमें हमें, तुम हो रामलाल, जड़ें हो तुम, रूट्स हो। बहुत अच्छी चीज है ये। इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। और वैराग, ऐसा लगा बाबा की वो बात सुन के कि जैसे पिछली बार बाबा ने बहुत बड़ी बड़ी सेवाओं के लिए सबको प्रेरणा दी थी, इस बार सेवाओं के लिए तो कह दिया माइक तैयार करो। बहुत साल से कहता आ रहा है बाबा, मैं तो ऐसा सोचता हूं कि भगवान की नजर है किसी माइक पर, खुद तो बताएगा नहीं इसे जाके पकड़ो, लेकिन हम सबसे पुरुषार्थ कराता है तो कहीं ना कहीं वही माइक आ जाए जिस पर उसकी नजर है। लगता है आपको भी ऐसा? उसे तो पता ही है कि कोई एक ही माइक शोर मचा देगा सारी दुनिया में, परंतु वो कार्य बच्चों के द्वारा ही कराना चाहता है। क्यों? जब काम उसका और उसे पता भी है कि माइक वहां है, नहीं इसमें प्राप्ति क्या, पकड़ के लाए और फिर बच्चे ही तो करेंगे आगे, फिर सब काम तो बच्चों को ही करना। मैं सोचता था, बताओ भाई क्या है कठिनाई बाबा को, क्या है और बताओ हैं? ये बात बाबा कम से कम 15 साल से कहता आ रहा है कि माइक तैयार करो, हर साल होती है और जरूर बाबा की नजर किसी माइक, कोई जबरदस्त माइक है जिस पे उसकी नजर है कि बच्चे उस तक पहुंच जाएं। तो बाबा के पास एक रहस्य ये भी होता है कि एक माइक को पकड़ने के लिए बहुतों की सेवा करा दे, ठीक है ना, हजारों माइकों के पास पहुंचेंगे बच्चे तो हजारों की सेवा होगी और उनमें से कुछ निकलेंगे और फिर फाइनल भी निकल ही जाएगा। तो सेवाओं के लिए तो ये, लेकिन ऐसा लगा कि बाबा आप तपस्या कराएगा। आप सभी ने सुना होगा, दादी ने उससे पहले क्लास कराई थी ऊपर मधुबन वालों की, और ये कहा कि मेरी तो इच्छा है कि इस बार 21-21 दिन की सबकी भट्टी हो, सब 21 दिन मौन रखें, काम छोड़ दें और 21 दिन तपस्या कुंड में बैठ जाएं। फिर बाबा ने भी उसको आगे बढ़ाया, तो साधनाएं, बेहद का वैराग और हम सब जड़े हैं। वैराग पर हम सब बहुत मुरलियां सुन चुके हैं और उन सब का सार ये है कि संसार में विनाश काल में तो वैराग आएगा ही, किसी को दिलाना नहीं पड़ेगा। विनाश अपने में ऐसी बड़ी घटना है कि उसमें हर आत्मा के पास वैराग हो जाएगा, परंतु समय जिन्हें वैराग दिलाएगा उनका महत्व होगा, या जो संसार में वैराग की लहर पैदा करेंगे उनका महत्व होगा। हम सभी हैं जड़ें, फाउंडेशन। हमारे मन में उठा हुआ वैराग संसार के मनुष्यों के मन में स्वतः ही वैराग पैदा करेगा, क्योंकि अगर वैराग पैदा न हुआ संसार के मन में तो क्या होगा, विनाश में उन्हें बहुत पीड़ा होगी। और जब वैराग होगा, किसी मनुष्य ने पहले ही मान लिया हो कि जो मकान बनाया है भाई ये 5 दिन के बाद नष्ट हो जाएगा, तो तैयार हो जाता है ना मनुष्य, और उसकी उसमें बहुत आसक्ति और वो नष्ट हो जाए तो उसे बहुत पीड़ा होती है। इसलिए बाबा हमारे द्वारा संसार की सभी आत्माओं के मन में
वैराग की भावना जागृत करना चाहते हैं। किस किस से वैराग? सबसे पहला वैराग विकारों से वैराग, जिस पर हम बहुत कम सोचते हैं। अगर हमारे मन में विकारों से वैराग हो जाए तो विकारों को जीतने में बहुत बड़ी मदद मिल जाए। हम ये देखेंगे, अब संसार में ज्ञान की दृष्टि से भी हम जानते हैं कि चक्र चलते चलते कहां पहुंच गया है, वहां जहां से शुरू हुआ था। अंत में तो है ही, पर अंत और आदि मिल रहे हैं। जब अंत और आदि मिलते हैं तो क्या होता है? जैसे रोज सवेरे सूर्य उदय होता है, हम सोचे 24 घंटे के बाद फिर उदय होता है। जब सूर्य उदय होने का समय आता है तो हर मनुष्य के मन में वैसी ही फीलिंग होती है जैसी 24 घंटे पहले हुई थी। ये एक बहुत सुंदर गति है चक्र की, काल चक्र की। अब जब ये समय वही आ गया है जहां से शुरू हुआ था, तो हरेक के मन में वही फीलिंग्स पैदा होंगी जो आदि में थी। जैसे जैसे आदि समीप आ रहा है, हर आत्मा को पवित्र बनने की प्रेरणा आने लगेगी। अब हम सब देखेंगे इस संसार में कि एक ओर दुख बढ़ेगा, वैराग बढ़ेगा, दूसरी ओर पवित्र बनने की प्रेरणाएं बढ़ेंगी स्वतः ही, क्योंकि समय आ गया है आदि का, वापिस चलने का। तो हर आत्मा पवित्र बनना चाहेगी। बस हम मैसेज देंगे और हमें पता चलेगा वो तैयार हैं इस काम के लिए। तो हमारे द्वारा संसार में वैराग की लहर फैले, क्योंकि वैराग के द्वारा ही क्या होगा? त्याग, और त्याग से ही तपस्या, और तपस्या ही जीवन को सुख में बनाएगी, आनंद में बनाएगी, और हमें तैयार करेगी सब कुछ नष्ट होता देखने के लिए। तो हमें अपने को तैयार करना है। सब कुछ नष्ट होगा, हम एक सीन अपने सामने इमर्ज कर लें जिसे हम अपना कहते हैं। मेरी संपत्ति, मेरा मकान, दुकान, परिवार, बिजनेस, धन, उसको अपने सामने ला के जरा सोचें कि मेरी आंखों के सामने ये सब नष्ट हो जाएगा, क्या मैं इसको नष्ट होता हुआ देख सकूंगा? माताएं पूछें अपने से, नष्ट होगा या नहीं? ये भी सोच सकते हैं ना, तुम ऐसा बुरा क्यों बोल रहे हो, पहले ही कह रहे हो कि नष्ट होगा। लेकिन नष्ट तो होगा, हम इस बुरे को बोले या ना बोले, हमारे बोलने न बोलने से अंतर नहीं पड़ने वाला, नष्ट तो होगा। नष्ट होने वाले को हम बचा भी नहीं पाएंगे। कोई सोचे तब कि बाबा मदद नहीं कर रहा, हमने बाबा के यज्ञ में इतना सहयोग दिया, सारा धन लगा दिया, और बाबा ने हमारा मकान भी नहीं बचाया। सोचेंगे लोग तब ये, पर ये सोचना उचित नहीं होगा, क्योंकि हम पुराने मकान को करेंगे क्या? सतयुग में मिट्टी के मकान में ही रहेंगे क्या? रहना ही नहीं है। तो हमें तैयार भी होना पड़ेगा। तो अपने अंदर अभी से वैराग की भावना को पैदा करें। कैसे करेंगे? जबरदस्ती तो नहीं आएगी। कैसे करेंगे? हमें ये समझ लेना चाहिए, देखिए, कोई भी चीज मनुष्य तब करता है रुचि पूर्वक जब उसकी वैल्यू का मनुष्य को ज्ञान हो। हम त्याग तभी तो कर देते हैं ना, हमें त्याग की वैल्यू का पता होता है। विकारों का भी त्याग हमने जबरदस्ती तो नहीं किया, हमें उसकी वैल्यू का पता है, उसकी आवश्यकता का पता है। आवश्यकता और वैल्यू दोनों जिसने जितनी अच्छी तरह से जान ली हो वैराग की, वो अपने अंदर वैराग ले आते हैं। अब वैराग हमें अपने अंदर लाना है। वैराग के बिना हमारी तपस्या नहीं होगी। हम अपने से पूछ लें, हमें वैराग का उल्टा क्या होता है? राग, लगाव, आसक्तियां,
और इसका ही स्वरूप है मोह ममता। अब हमें ये सब प्रिय है या योग युक्त जीवन प्रिय है? उदाहरण के लिए ले ले हम भोजन। भोजन में मनुष्य का राग होता है, प्राय सभी का भोजन, क्योंकि हम रोज ही खाते हैं। कई बार दिन में कितनी चीजें खा लेते हैं, अगर एक मनुष्य के जीवन का निकाला जाए वो कितना भोजन खाता है 70 साल में, तो कितने ट्रक भर जाएंगे। तो भोजन में मनुष्य का राग रहता ही है, हर व्यक्ति अपनी पसंद का भोजन खा के संतुष्ट होता है। कोई अननेचुरल बात नहीं, कोई खराब बात नहीं, बड़ी नेचुरल सी बात है। अगर हम अपने यहाँ के भीलों को बहुत अच्छा अच्छा भोजन परोस दें, यहाँ बुला के 100 लोगों को, तो आप पाएंगे वो सब कचरे के डब्बे में डाल के जाएंगे। वो क्या चुनेंगे उसमें से? मोटी रोटी, मिर्ची का अचार और कुछ एक आधी चीज और, बस उनकी संतुष्टि उसमें है, अच्छे भोजन में नहीं। तो जिसको जिस तरह की भोजन खाने की आदत है, च्वाइस है, उस तरह के भोजन से वो आत्मा संतुष्ट है। लेकिन किसी ने भोजन को ही अपनी स्थिति का आधार बना लिया हो, भाई ये चीज खाने को मिले तो मन प्रसन्न हो, सेवा में मन लगे, योग भी अच्छा लगे, होता है ना ऐसा। और अगर मिर्ची न मिले, मन खुश न हो, सेवा में दिल न लगे, योग अच्छा न लगे, तो आधार क्या हो गया? भोजन। अब हम अपने से पूछ लें कि हमें भोजन प्रिय है या योग युक्त जीवन। समय की क्या मांग है, क्या प्रिय होना चाहिए? क्योंकि ये भोजन तो जिसका लिए गायन ही गायन है, 36 प्रकार के भोजन देवताओं के पास, कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं, खाने की इच्छा ही नहीं, इतना है जो चाहे खा लो, पहनने का रहने का हम जैसा किसी के पास नहीं होगा। जो सोने के महलों में रहते हो, सोने से जड़ित कपड़े पहनते हो, उनको इन छोटी छोटी चीजों में आसक्तियों की कहां गुंजाइश है। लेकिन अब महत्व है, अब तो केवल एक चीज का महत्व है, और वो है योग युक्त जीवन। न ये योग, ये योग युक्त जीवन, ये त्याग और वैराग हमें और किसी जन्म में करना है न आवश्यकता रहेगी। 2 युग तो करना नहीं, 3रे युग में भी नहीं करना, 4थे युग में भी हमें ज्यादा कुछ त्याग वैराग इनकी जरूरत नहीं, वो संन्यास का काम रहेगा। थोड़े से समय के लिए अगर हम अपने जीवन के भविष्य का 3 साल का प्लान बनाएं, केवल 3 साल का, और विचार करें अच्छी तरह से, जैसे लौकिक में कोई प्लान बनाए कि 3 साल के लिए भाई इतना पैसा चाहिए, ये मकान हो, ये साधन हो, अनाज हो, पानी का प्रबंध हो, जो कुछ आवश्यक चीजें उसकी मनुष्य तैयारी करे। हम भी विचार करें कि अगले 3 साल के लिए परिस्थितियों को सामने रखते हुए हमें क्या क्या तैयारी कर लेनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें हमें साथ देंगी, ये स्वयं को सोचना है, कोई और नहीं सोचे, स्वयं सोचना है अपने लिए। तब अपने से पूछना है, अब हम इस संसार में, संसार की चीजों में, संबंधों में, विकारों में आसक्त रहें या वैराग धारण करके इनसे ऊपर उठकर उस ईश्वरीय आनंद से, ईश्वरीय शक्तियों से अपने जीवन को भर लें जो हमें काम आएंगी। ऐसा समय आ रहा है जब केवल रूहानी शक्तियां ही हमारी साथी रहेंगी और कुछ नहीं। बाबा हो जाएगा साक्षी, हम ये कह ही नहीं सकेंगे कि बाबा हमें क्यों मदद नहीं कर रहा है, सुनवाई नहीं होगी। अब सुनवाई हो रही है, इसलिए अब हमें अच्छी तरह सोच लेना है, बात करनी है स्वयं से कि हम अपने जीवन को रूहानी शक्तियों से भरें। बाकी सब तो बहुत मिलेगा, और जिसके पास रूहानी शक्ति होगी
उसे ही स्थूल चीजें भी प्राप्त होंगी, जो प्रकृति के मालिक बन गए होंगे, प्रकृति की सारी सुविधाएं उन्हें प्राप्त होंगी। हम देखते आए हैं, रोज साक्षी होके देखा है, जो प्रकृति के मालिक नहीं, जो प्रकृति के अधीन हैं, पानी होते हुए भी जब वो स्नान करने जाते हैं पानी खत्म, सबको दूध मिल रहा है, जब वो गए दूध का भंडारा बंद हो गया, सबको फ्रूट मिल रहा था, उन्हें भी आम मिला, लेकिन खाने लगे तो देखा कीड़े थे अंदर। हम देखते हैं लोगों से, हम बात कहते कुछ नहीं, पर हम सोचते हैं कि ये सब स्थिति के, कर्मों के और अपने संकल्प और भावनाओं के अनुरूप सबको सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए जिसने रूहानी शक्तियां जमा की होंगी, विनाश काल में भी उसे भोजन पानी मकान मिलता रहेगा। और जिसने रूहानी शक्तियों से वैराग रख लिया हो, संसार में आसक्त रहे हो, चीजें इकट्ठी की हो, जिन्होंने चीजें इकट्ठी की होंगी वो उन चीजों का यूज नहीं कर पाएंगे। अनाज रख लिया हो और चोरों को पता लग जाए कि तुम भूखे हो और अनाज इसके पास है, 50 बोरी हैं, तो पुलिस ही ले जाएगी, चोर तो छोड़ो, कि हम भी तो भूखे हैं, सभी चोर बन जाएंगे। तो हमें अपने अंदर वैराग बढ़ाना है। वैराग की सीधी सी परिभाषा है, वैराग का ये अर्थ नहीं कि ठंड पड़ रही है और कपड़े नहीं पहनेंगे, क्योंकि वैराग धारण करना है, रजाई नहीं ओढ़ेंगे हम तो कंबल में सोएंगे, वैरागी जो है भोजन नहीं करेंगे हम, ये वैराग नहीं। साधन हमारे पास सब कुछ है, संसार अब साधनों से भरपूर है, हमारे पास ट्रेन चल रही है, हम दिल्ली 12 घंटे में जा सकते हैं, हम कहें कि हम तो बैलगाड़ी में ही चलेंगे, वैराग है, तो लोग हंसेंगे ना हमें, इसकी जरूरत नहीं। दवाइयां मिल रही, हमें दर्द हो रहा है, हम सोचे कि हम तो नहीं खाएंगे, बाबा ने कहा वैरागी बनो, दर्द सहन करो, इसकी भी आवश्यकता नहीं। साधनों का उपयोग करते हुए योगयुक्त रहना, बस ये वैराग है। साधनों का उपयोग करते अगर हम योगयुक्त नहीं रह पाते तो हम वैरागी नहीं हैं। कर्म करते हुए अगर हम योगयुक्त नहीं रह पाते तो कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। इस तरह हमें अपने को चेक करना है। बाकी जो साधन हमें मिले हैं वो यूज करने के लिए ही हैं, चाहे वो हम सेवाओं में यूज कर रहे या अपने लिए यूज कर रहे। जब हम अपने लिए साधनों को यूज करते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? साधन तो हम अपने लिए भी यूज कर रहे हैं, हमें क्या याद रखना चाहिए? कि हम साधनों के अधीन न हो जाएं। साधन है तो हम ये करें, नहीं साधन है तो हम नहीं करेंगे। कोई कोई तो सीधा ही कह देते हैं, सेवाओं में भी कह देते हैं, कार हो तो जाएंगे, नहीं कार है हम नहीं जाएंगे। बसें चल रही हैं पर बस में हम थोड़ा ही जाएंगे, हम जो VIP ठहरे जा रहे भाषण करने और बस में बैठ के जाएंगे, ये उचित नहीं। तो इसको कहा जाएगा साधनों की अधीनता। बस हमें ये चेक करना, घरों में भी जो जो साधन आप यूज कर रहे हैं वो अगर न हो कल, तो उनके बिना क्या हम अपने जीवन को वैसा ही सुख शांति में चला सकते हैं, या हम डिस्टर्ब रहेंगे कि कल तो हमारे पास ये थे, आज तो हमारे पास ये नहीं है। हम सभी बड़े लोगों की कहानियों में भी सुनते हैं, विवेकानंद की आप कहानी सुनो तो कभी वो राजाओं के महलों में है, राजा इठाट बाट से उसका स्वागत हो रहा है, राजा ईशान से उसको भोजन खिलाया जा रहा है, और कभी वो बिल्कुल एक गरीब की बुढ़िया की झोपड़ी में है, वो उसे सूखी रोटी खिला रही, वही खा रहा है, वो आनंद ले रहा है। ये सिखाया गया संन्यास में भी, हम सबको भी सिखाया गया, आज तुम बहुत अच्छा भोजन कर रहे हो और कल अचार मिलने लगे, केवल अचार से रोटी,
तो तुम्हारे सुख में कमी न पड़े, ये है वैराग, यह है समानता। कल हमें बहुत सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, हम बहुत अच्छी तरह यहाँ रह रहे हैं, साधन है हमारे पास सब। कल ये न हो, हमें पहाड़ी पे जाके रहना पड़े, ऐसे ही सो जाना पड़े, कुछ भी मिले खाना पड़े, तो भी हमारे जीवन का आनंद छीन न हो, ये है वैराग। ऐसी स्थिति को हमें प्राप्त कर लेना है। इसलिए साधनों को स्वयं के लिए यूज करते हुए हमें ये चेक करते रहना है कि कहीं साधनों के हम वश तो नहीं हो गए, कि ये चीज हो तो ठीक रहे, न हो तो नहीं। एक छोटा सा प्रैक्टिकल उदाहरण, हम 10 के बीच रहे एक कमरे में तो भी हमें ज्ञान योग करने में कठिनाई न हो, हम अकेले रहें तो भी ना हो, लेकिन हम अकेले रहते हों कमरे में और फिर 10 के बीच रहना पड़ जाए और हम कहने लगे कि भाई जब अकेले थे तो ज्ञान योग बहुत अच्छा होता था, अब तो 10 के बीच रहते हैं, कोई चींची कर रहा, कोई चैंचे कर रहा, कोई कुछ कर रहा, यहाँ क्या ज्ञान योग करेंगे। तो ये क्या हो गया, हम अपने को ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाए, हमने साधनों के वश कर लिया अपने को। लेकिन जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, वो हर परिस्थिति में अपनी उन्नति का मार्ग ढूंढ ही लेते हैं। तो सभी अपने अपने वैराग को चेक करें, अर्थात कोई भी चीज हमें खींच तो नहीं रही, किसी भी चीज ने हमें बांध तो नहीं लिया, चाहे वो खाने पीने की हो, व्यवहार की हो, रहने की हो, सेवाओं में मिली हुई सुविधाओं की हो, सेवाओं में मिले हुए चांस की हो। किसी ने सुनाया, किसी आत्मा के लिए सुनाया कि भाई इनकी खुशी का तो एक ही आधार है, क्या, कि बड़ी कॉन्फ्रेंस में इन्हें भाषण करने को मिले। अगर कहा जाए छोटी वर्कशॉप में भाषण करो तो वो करते भी नहीं, और अगर करने को कह भी दिया जाए तो अपनी इंसल्ट समझते हैं कि हम इतने बड़े स्पीकर, आज तक तो बड़ी बड़ी सम्मेलनों में बोला है, अब छोटे वर्कशॉप में हमें बोलने के लिए कहा जा रहा है, तो क्या हो गया, ये आसक्त हो गई आत्मा। आत्मा श्रेष्ठ कर्म में भी आसक्त हो जाती है, इससे भी वैराग। और इस वैराग की बाबा ने परिभाषा दी कि चाहे तुम्हें हजारों के बीच भाषण करने को मिले, चाहे झाड़ू लगाने को, दोनों में समान सुख प्राप्त हो, यह स्थिति, इसको बाबा चाहते हैं। कई लोग हम में से भी नापने लगते हैं कि जो बड़े बड़े भाषण कर रहे वो बड़े महाराजा बनेंगे, जो झाड़ू लगा रहे वो वहां भी झाड़ू लगाएंगे, और ऐसा सोचकर यज्ञ सेवा के महत्व को भुला देते हैं। बाबा ने तो ऐसा नहीं कहा कभी, बाबा ने तो खुद भी अनाज बैठ के साफ किया, खुद भी सफाई कर लेते थे बाबा, दादियां भी कर लेती हैं। तो स्थिति ये है, क्लियर है ना ये बात, यही स्पिरिचुअलिटी है, यही रूहानियत है, कि बड़े से बड़ा काम मिले या छोटे से छोटा, दोनों में मन की स्थिति समान हो, स्थिति ये है रूहानियत की। हमें इस तरह अपने वैराग, राग, आसक्तियां और अनासक्ति को चेक कर लेना चाहिए, इसकी बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है, क्योंकि साधनाएं बाबा अब तो कराएगा, हम स्वतः ही नहीं करेंगे तो वो कराएगा। जो बाबा कहते तुम्हें बना के ले ही जाऊंगा, केवल सजा दिला के नहीं, साधनाएं भी कराएगा। लेकिन साधनाएं जब नेचुरल रूप से नहीं होती तो उन साधनाओं में भी बहुत सुख नहीं मिलता, वो जस्ट काम चलाने के लिए होती है कि विकर्म विनाश करने, इसलिए साधना करनी है। लेकिन साधनाओं का लक्ष्य केवल विकर्म विनाश नहीं, बल्कि आत्मा में संपूर्ण आनंद भरना भी है, जिसका बाबा ने उत्तर दिया, सभी को याद होगा, कि केवल ये चेकिंग ना हो कि व्यर्थ संकल्प से हम मुक्त हो गए, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति कितनी भरी है। केवल ये नहीं कि दुख तो हमने किसी को नहीं दिया, लेकिन सुख दिया, बल्कि अपने में सुख कितना भरा है।
अब अंतिम बात जड़ों की। हम सभी जड़े हैं। जड़ों के द्वारा क्या जाता है पेड़ को? पानी जाता है, खाद जाता है, नहीं भोजन जाता है पूरा। और जड़ें कहाँ रहती हैं? मिट्टी में, अंडरग्राउंड। जड़ों को कोई नहीं जानता। जानता किसे है? पेड़ को, उसके फल को, फूलों को, पत्तों को, जिनकी चमक बाहर है। लेकिन जड़ें कभी सोचती होंगी कि सारी मेहनत हमारी और नाम हो रहा फलों का कि आम बड़े मीठे हैं। जड़े सोचेंगे हम सभी जड़े हैं, अर्थात अंडरग्राउंड, अर्थात इस मान महिमा से परे। सारे कल्प वृक्ष को देने वाले, जैसे कोई व्यक्ति रोज 100 भूखों को भोजन खिलाए तो उसका कितना पुण्य जमा होता है। और हम इस संसार की करोड़ों आत्माओं को भोजन दें रोज तो कितना पुण्य जमा हो जाएगा। भोजन तो हमारा सूक्ष्म है। अगर हम उदास हो गए तो क्या हो जाएगा? करोड़ों आत्माएं उदास हो जाएंगी। हम खुशी में नाच रहे हैं तो करोड़ों आत्माओं की उदासी दूर हो जाएगी। हमारी पवित्रता करोड़ों को बल देगी, विकारों से वैराग दिलाएगी। हमारी शांति अनेकों की अशांति को दूर करेगी। हमारा सुख स्वरूप जीवन आत्माओं के दुख हरता रहेगा। हमारी इतनी जिम्मेदारी है। इसलिए सोचना है हम क्या सप्लाई करते हैं रोज, क्या दे रहे हैं, कल्प वृक्ष को हम क्या देते हैं, उदासी या खुशी, पवित्रता या क्रोध, तनाव या शक्तियां, क्या देते हैं। जितनी अच्छी चीज देंगे, भोजन खिलाएंगे, उतनी ही आत्मा में पुण्य की शक्ति बढ़ेगी। तो एक सीन अपने सामने रख लेंगे हम, उस सीन को सामने रखते हुए योग करेंगे। और वो ये है कि ये कल्प वृक्ष उल्टा कल्प वृक्ष है भी तो उल्टा ही। ऊपर बीज शिव बाबा, शिव बाबा ऊपर बीज, उसके नीचे हम जड़ें और उसके नीचे सारा कल्प वृक्ष। और सर्वशक्तिवान की शक्तियां जड़ों में आती है और जड़ों से फैल रही है एक एक पत्ते तक। ऐसा भी एक चित्र रख सकते हैं चलते फिरते कि हमारे सिर के ऊपर ही कल्प वृक्ष है और हमारे ब्रेन में जो संकल्प उठ रहे हैं, जो भावनाएं उठ रही हैं, जो हमारी स्थिति बन रही है, वो सब पहुंच रहा है एक एक पत्ते तक। तो उल्टा कल्प वृक्ष है। सवेरे उठ के भी हम इसी तरह योग करेंगे और अब भी। और योग करने में बहुत अधिक आनंद होता है जब हम अपने योग को कोई दिशा दे देते हैं, कोई संकल्प दे देते हैं कि अब हमें बाबा से शक्तियां लेकर कल्प वृक्ष के एक एक पत्ते को देनी है। तो हम चलेंगे इसी योग की ओर। ऊपर सर्वशक्तिवान, फिर हम जड़ें और फिर नीचे कल्प वृक्ष। ओम शांति।